सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान टूल यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीबुल और आप देख रहे हैं ज्ञान टूल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विस का एग्जाम है 8 जुलाई 2018 को होने वाला है, तो इसमें इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा और इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा और इसके सिलेबस के बारे में मैं आपको यहाँ पे थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूंगा और इसके रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे आज दूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं इसका जो सिलेबस है DHS डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विस का, तो ये एग्जाम सिलेबस उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने गेट 3 पोस्ट जैसे कि जूनियर असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट, ड्रेसर, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट, आयुर्वेदिक और फार्मासिस्ट और लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई किए हैं। तो ये ऑफिशियल सिलेबस है ऑफिशियल नोटिस के तौर पर। तो दोस्तों ये जो एग्ज़ाम होगा इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप एग्ज़ाम है ये, और इसके लिए आपको एक्स्ट्रा OMR शीट दिया जाएगा और ये स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा जूनियर असिस्टेंट, अकाउंटेंट, ड्रेसर, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट, लेबोरेटरी एक्सेट्रा के लिए। और दोस्तों इसका जो पेपर का मीडियम होगा वो होगा इंग्लिश में। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में आएंगे और इसमें सिलेबस क्या क्या है आइए मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में बताता हूँ। तो इसके लिए पहला जो पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट और अकाउंट असिस्टेंट, इसके लिए जो मार्किंग सिस्टम है सिलेबस से वो इस तरह है, जनरल इंग्लिश में 25 मार्क्स, जनरल मैथमेटिक्स में 25 मार्क्स और जनरल नॉलेज में है 50 मार्क्स। दोस्तों ये है टोटल 100 मार्क्स, तो एग्जाम 100 मार्क्स के लिए होगा और एग्जाम होगा 2 आवर्स के लिए। और दोस्तों इसके अलावा बाकी सारे जो पोस्ट है जैसे कि टेक्निकल पोस्ट है जो ड्रेसर, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट आयुर्वेद और लेबोरेटरी टेक्नीशियन, उन लोगों के लिए एग्जाम का सिलेबस कुछ इस तरह है। उन लोगों के लिए जनरल इंग्लिश आएंगे 25 मार्क्स के लिए और सब्जेक्ट कंसर्न अगर रेडियोग्राफर है तो उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे तो उसके में होंगे 75 मार्क्स, तो इसमें कुल मिला करके 100 मार्क्स होंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वेश्चन पेपर सेट किए जाएंगे और इसमें जैसे अगर आपने आप लोग ने पहले एग्जाम दिया होगा तो OMR शीट में आपको सिर्फ सर्कुल करना है और इसके सिलेक्शन बेस आपको मेरिट बेस किया जाएगा। और दोस्तों इस एग्ज़ाम के बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप इस एडमिट कार्ड को आपके एग्जाम हॉल में ले जाना है, इसके साथ साथ आपका कोई फोटो आईडी भी आपको साथ में ले जाना है और इसके साथ साथ आपको एक ब्लैक बॉल पेन ले जाना है यानी कि ब्लैक इंक पेन, और इसके साथ साथ आपका 2 आइडेंटिकल कलर फोटोग्राफ यानी कि सेम फोटोग्राफ होना चाहिए। अगर इस एडमिट कार्ड में दिखाए गए एडमिट फोटो आपके पास नहीं है तो वो सेम कलर फोटोग्राफ आपको इसमें टेस्ट कराना है और एग्ज़ाम स्टार्ट होने के आधा घंटे बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जाम हॉल में। और इसके साथ साथ आपको मोबाइल फ़ोन, कोई भी पेज या फिर कैलकुलेटर और कोई गैजेट आपको एग्जाम हॉल में अलाउ नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों और इसके रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 2 घंटे होगा और इसका एग्जाम टाइप होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का और इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क। और सबसे ज़रूरी बात, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ जी दोस्तों, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हालांकि अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आपको नहीं आ रहा है तो फिर भी उसको आपको अटेंड करना ही है, ये आप इसका प्लस पॉइंट है। और दोस्तों इसमें जैसे कि मैंने बताया कि इंग्लिश, जनरल इंग्लिश तो कंपलसरी है और कंसर्न सब्जेक्ट जैसे कि दूसरी पोस्ट के लिए है जूनियर असिस्टेंट अकाउंट को छोड़कर उसको, तो उनके लिए हर पोस्ट के लिए क्वेश्चन पेपर अलग अलग होंगे। सो ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर एग्जाम। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और इसके रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सके तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को देने के लिए। तो आप लोग मेरे चैनल को देखते रहिएगा और अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे लाइक करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए, आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।